व्याग्रा टेबलेट आपके स्टेमिना को बढ़ाती हैं। इसके अलावा व्याग्रा टेबलेट आपके शरीर में ब्लड वेसल्स को आराम देकर उनके पतला होने में मदद करती हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। ये टेबलेट एक फास्ट फूड यीस्ट अवरोधक हैं, जो शरीर के किसी भी विशेष क्षेत्र में आपके ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती हैं। इसका प्रमुख उपयोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी वीर्य के ना निकलने या जल्दी निकलने के उपचार के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कैसे काम करती हैं। ये दवा आपके शरीर की प्रक्रिया, जिसे फास्ट डाइजेस्ट टाइप 5 होती है, उसको रोक देती हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों को जो है आराम मिलता है। इससे आपके शरीर में CGMP यानी चक्रीय गावोसिन मोनोफॉस्फेट की जो है वृद्धि हो जाती है, जो आपकी मसल्स को आराम देता है और आपके ब्लड फ्लो को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है बढ़ा देता है, जिससे उसमें जो है ब्लड फ्लो उस एरिया में बढ़ जाता है। इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, इसके लिए आपको इसकी एक खुराक यानी मेरा मतलब आपको शरीर शरीर के लिए एक दिन में एक गोली काफ़ी होती है। तो आप जो है इससे ज़्यादा ये गोली का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आप एक दिन में इसकी एक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप लेते हैं तो इसके एक घंटे बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। आम तौर पर इसका असर 4 से 6 घंटे तक रहता है, इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है। इसको लेने के लिए आप सेक्स से 1 घंटा पहले आप इसे ले सकते हैं। आप इसे दूध या जो आपको सूटेबल लगे उसके साथ आप जो है इसको ले सकते हैं। इसका मुख्य काम है आप लिंग में जो है तनाव लाना है। अगर आपका लिंग में तनाव नहीं है और आप जो है सेक्स में जो है ज़्यादा टाइम तक आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपके स्टेमिना को बढ़ाती हैं और आपके लिंग में तनाव आता है, इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है और आप जो सेक्स में जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और आप लंबे समय तक जो है उसमें टिके रह सकते हैं। अभी इसके कुछ दुष्परिणाम की बात कर लेते हैं। तो इसमें दुष्परिणाम, आपको सिरदर्द हो सकता है, आपको अपच हो सकती है, आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, आपको जो है चक्कर आ सकते हैं, आपको जो है पेशाब का जो है रंग बदल सकता है, आपको कम दिखाई देना, आपके ब्लैडर में जो है दर्द हो सकता है क्योंकि इसका प्रभाव किडनी पे भी होता है, आपकी हड्डियों में आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है, आपका जो स्टूल होता है जो आप सुबह सुबह पोटी होती हैं उसका जो है तो वो थोड़ी ढीली हो सकती है, मतलब आपको दस्त लग सकती हैं। और इसमें अगर कुछ सावधानी की बात करें तो आपको जो है गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ के लें इसको। और अलग है कि अगर आप स्तनपान करवा रही हैं तो भी इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके स्तन के द्वारा आपके शिशु को जो है स्थानांतरित हो जाता है और इसमें जो है शिशु को समस्याएं पैदा हो सकती है। आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस समय भी आपको ये नहीं लेना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको चक्कर, आपको बेहोशी जैसे हालात हो सकते हैं जो आपके जीवन के लिए ख़तरनाक हैं। ये दवा किडनी को भी प्रभावित करती हैं, तो अगर आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या हो, जैसे किडनी स्टोन या किडनी में जो कुछ भी फेलियर वगैरह इससे कोई स्थिति हो आपको, तो ये दवा बिल्कुल नहीं लें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। ये मैंने जानकारी आपको व्याग्रा के बारे में दी है। मैं व्याग्रा का कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप अपने जो है विवेक अनुसार ही इस दवाई का इस्तेमाल करें। जैसे कि ये एक एलोपैथिक दवाई है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं और सभी की बॉडी टाइप अलग होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सभी के ऊपर जो है काम करते हैं। आप जो इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।